तेरा के ग्राम बनने बुजुर्ग का शासकीय हाई स्कूल जो अव्यवस्थाओं की मार झेल रहा है, जहां विद्यार्थियों के लिए ना तो पानी की कोई उचित व्यवस्था है और ना ही बिजली की, जिससे यहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाई स्कूल में कुछ 174 छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, जो मात्र एक हेडपंप के भरोसे हैं, वो भी सूखा पड़ा हुआ है, और पानी के लिए विद्यार्थियों को स्कूल से 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसके साथ ही विद्यालय में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। मामले को लेकर छात्र छात्राओं द्वारा कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रभारी प्राचार्य महेश जायसवाल ने बताया कि आवेदनों के माध्यम से कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया जा चुका है, जहां उन्हें अधिकारियों द्वारा हर संभव मदद का ही हवाला दिया जाता है। यहां पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं, आसपास दूर बहुत दूर जाना पड़ता है, कई कई दिन तो हम लोग को प्यासा रहना पड़ता है। यहां से आसपास भी कोई नहीं है जो पानी के लिए बोल सके, और हम लोग ये सोचते हैं कि आप इसके जरिए, हम लोगों के इंटरव्यू के जरिए सरकार तक ये बात पहुंचा कि एक नल था वो खराब हो गया है, पर अब आप लोग भी चाहें तो हो सकता है सरकार तक हमारी बात पहुंचा सकती है, पानी के लिए कुछ व्यवस्था हो सकती है। हमने मांग की है पानी की, लेकिन पानी की कोई समस्या का समाधान आज दिनांक तक नहीं हुआ है। शिकायत के लिए डी विभाग जतारा में शिकायत की है, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय शिकायत की है, और अपने यहाँ पलेरा में भी शिकायत की है। तो पानी की समस्या के लिए हमने कई जगह आवेदन दिया है, लेकिन हमारी समस्या का समाधान आश्वासन क्या दिया गया आप? आश्वासन उन्होंने ये दिया कि आप तो हमने जैसे आवेदन दिया, पावती दे दी, उन्होंने ये कहा कि हाँ हर संभव मदद करेंगे, बस इतना आश्वासन मिला अभी तक हमें। छात्र संघ और